नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दुनिया में कौन सा चीज़ अच्छा होता है, कौन सा चीज़ बुरा होता है, कौन सा डिसीज़न सही होता है, कौन सा डिसीज़न गलत होता है। तो देखिए, ये एक वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट से बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसका कोई सीधा सीधा आंसर नहीं है। लेकिन हम एक बहुत सोचने समझने के बाद एक नतीजे पे पहुँचे हैं कि संसार में कोई भी चीज़ गलत, कोई भी चीज़ सही नहीं होता है। कोई भी चीज़ सही, कोई भी चीज़ गलत नहीं होता है। कोई भी डिसीज़न या फिर कोई भी एक्टिविटी गलत सही नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आप उसको देखते कैसे हैं। अगर कोई चीज़ गलत आप मानते हैं, जो समाज उसको गलत मानता है, वो चीज़ को भी कभी कभी कोई कोई ऐसा धुरंधर होता है जो कोर्ट में सही प्रूव कर देता है गलत को भी, और सही चीज़ को गलत प्रूफ कर देता है, वकील सब है कि नहीं, तो वो एक तर्क लगा के प्रूफ कर देता है। तो कोई भी चीज़ इस संसार में सही नहीं होता, कोई भी चीज़ गलत नहीं होता। डिपेंड करता है कि आप उसको देखते किस तरीके से हैं, रिस्पेक्ट किस चीज़ के रिस्पेक्ट में देखते हैं उसको। एकदम मोशन है ना, मोशन अगर आप पढ़े होंगे चैप्टर नाइन का क्लास नाइन, तो मोशन में भी वही होता है कि कोई चीज़ मूव कर रहा है ये रिस्पेक्ट में देखा जाता है। इसका कोई कहने का नहीं है मतलब कि कुछ मूव कर रहा है, आप कभी भी नहीं बता पाइएगा, आप कभी नहीं बता सकते हैं कि पृथ्वी मूव कर रहा है, क्योंकि आप पृथ्वी पे हैं। यहीं आप स्पेस में चले जाइएगा या चांद के रिस्पेक्ट में लीजिएगा तो बोल सकते हैं कि चांद जो है पृथ्वी के रिवॉल्व कर रहा है। वैसे ही ये भी काम करता है कि रिस्पेक्ट आप किस तरीके से प्रूफ करना चाहते हैं। अगर आप दिमाग है आपके पास तो आप कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आज जो थ्योरी बना है इसके अनुसार आप कहिएगा कि भाई न्यूटन का लॉ भी गलत है, महात्मा गांधी भी गलत है। देखो भाई, बिल्कुल वो गलत हो भी सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। आज सही हैं, कल गलत हो जाएंगे। अब इसका एक बढ़िया एग्जांपल ले लेते हैं। जितने भी आज तक बड़े साइंटिस्ट हुए हैं वो सब अपने समय में गलत थे भाई। उनको उनके समय में पागल कहा गया, घसकल कहा गया, सनकल कहा गया, उन पे ध्यान नहीं दिया गया, उन पे उनको उनको बुरी तरीके से जो है सो बिहेव किया गया उसके साथ। ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हुए हैं क्योंकि वो अपने समय से बहुत आगे का सोच रहे थे, बहुत आगे का, समझ गए, वो इतना आगे का सोच रहे थे कि उन समय के लोग उनको समझ नहीं पाए। और बस हुआ यही कि बहुत साइंटिस्ट को जला दिया गया, ऐसा हुआ है, रियलिटी है ये। अगर आपको नहीं पता है, हमको फिलहाल नाम नहीं याद है क्योंकि हर चीज़ का नाम हम याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। आप अगर अध्ययन में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं तो आपको पता होगा ये बात। और भी इसका प्रूफ है। अब आप कहिएगा कि यार अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो हो सकता है तुम भी गलत हो, और बिल्कुल बिल्कुल हम गलत भी हो सकते हैं, हम गलत भी हो सकते हैं, हम सही भी हो सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम 100% सही हैं, हम गलत भी हो सकते हैं, और ये हो सकता है हम गलत हो। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रिंसिपल को ही प्रिंसिपल के हिसाब से गलत हैं। तो मेरा प्रिंसिपल एक चक्र पैदा करता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है यार, नाम रुक जाइए, नाम याद करते हैं उसका, हाँ पैराडॉक्स, उसको पैराडॉक्स बोलते हैं। जैसे कि एक और पैराडॉक्स का एग्जांपल है कि
अगर टाइम मशीन बना लिया जाए तो क्या हो, अगर टाइम में पीछे जाके हम अपने दादाजी को मार दें तो क्या हम गायब हो जाएंगे या क्या होगा ऐसा? ये एक पैराडॉक्स है, कोई नहीं जानता क्या होगा। यह हो सकता है हम दादाजी को तो मार देंगे लेकिन हम जिंदा रहेंगे। और भी बहुत सारा पैराडॉक्स है, बहुत सारा ही पैराडॉक्स है। अगर आप भी कुछ पैराडॉक्स ढूंढते हैं तो अच्छी बात है, ढूंढिए। लेकिन ये सब पैराडॉक्स है, तो यही हम बताना चाह रहे थे कि कोई भी चीज़ गलत हो सकता है, कोई भी चीज़ सही भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसको प्रूफ करने वाला कौन है और प्रूफ कैसे करता है। अब बात करेंगे ओवर थिंकिंग का। देखिए, हम ये मानते हैं, हम नहीं मानते, ये ऐसा रियलिटी है कि जो फर्स्ट टाइम में डिसीजन लिया गया होता है वो डिसीजन बेस्ट होता है उस समय के लिए। कहने का मतलब, अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो मेरा पहला रिएक्शन क्या होगा, हम तुरंत क्या सोचेंगे, वो रिएक्शन बेस्ट होता है। मतलब वो जो डिसीजन हुआ वो बेस्ट होता है। कोई हमको थप्पड़ मारा, हमको क्या करना चाहिए, ये डिसीजन जो मेरे दिमाग में फर्स्ट टाइम आएगा वो डिसीजन फर्स्ट होगा। किसी से झगड़ा हो गया, अब हमको क्या करना चाहिए, तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले आया वो डिसीजन बेस्ट होता है। लेकिन वहीं आप उस बारे में आप सोचने लगे, यार ये होगा, वो होगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तो वो कहलाता है ओवरथिंकिंग। और ओवरथिंकिंग हमेशा बिगाड़ देता है खेल को। यकीन मानिए, मेरे साथ बहुत बार बुरा हो चुका है ओवरथिंकिंग की वजह से। ओवरथिंकिंग सब कुछ ख़राब कर देता है। ओवरथिंकिंग आपको पागल बना सकता है। ओवरथिंकिंग अगर आप ज़्यादा करते हैं तो लोग आपको पागल समझेंगे। इसका रीज़न है कि जब आप ओवरथिंकिंग करते हैं ना, तो वो डिसीज़न आप सही नहीं लेते हैं। और डिसीज़न जब सही नहीं लेते हैं तो आप मात खा जाइएगा। डिसीजन सही गलत अब किस रिस्पेक्ट में, सही हम पहले बता चुके हैं, कोई भी डिसीजन सही नहीं होता, कोई भी डिसीजन गलत नहीं होता, तो किस रिस्पेक्ट में? तो इस रिस्पेक्ट में कि उस समय का समाज क्या सोचता है, फर्स्ट इम्प्रेशन में, फर्स्ट बार में समाज क्या सोचता है, समाज के लिए बिना सोचे समझे क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। फर्स्ट बार में समाज के दिमाग में अगर कोई बात पता चला तो क्या रिएक्शन लेगा। देखिए, मेरे साथ एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं हम अपना, हुआ ये नहीं नहीं अपना एग्ज़ाम्पल नहीं, बस एक या मेरा एग्ज़ाम्पल बता देते हैं जो भी हो, कि एक लड़की से हमको लगाव हो गया, समझ गया, प्रेम हो गया, जो कह लीजिए। अब हम इतना पॉजिटिव हो गए कि उसका हर एक बिहेवियर हमको यही लगता था कि वो लड़की भी हमको पसंद करती है, जबकि ऐसा नहीं था। वो लड़की हमको पसंद नहीं करती थी, वो बस दोस्त की तरह बिहेव करती थी हमसे, और हमको लगता था कुछ और, क्योंकि हम उसका हर एक बिहेवियर लगता था। जबकि हम ये भूल गए थे कि अगर आपसे कोई बात करता है इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि आपसे वो प्रेम करता है, मतलब वो गहरा वाला प्रेम। तो हमको हमेशा लगता था यार वो हमको पसंद करती है, समझ गए, तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते थे। उसके सामने में अचानक जाते थे, कुछ से कुछ बोल देते थे, हमको लगता था ऐसा, और इससे वो परेशान होती गई, बात बहुत बिगड़ गया, बहुत कुछ हुआ। अगर आप समझ पा रहे हैं हम किस केस बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छे, आप बहुत समझदार आदमी हैं। तो कहें ना, ओवरथिंकिंग सब कुछ बिगाड़ देता है, खेल परिवर्तन कर देता है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग में आप सही होंगे, ऐसा नहीं है सही नहीं होंगे, आप सही होंगे, आप थिंकिंग कर रहे हैं ना भाई, सोच रहे हैं, ऑफकोर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं एक, तो ऑफकोर्स आप सही होंगे। लेकिन
उस समय और उस लोग के रिस्पेक्ट में आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन में जो डिसीजन लिया जाता है वही डिसीजन बेस्ट होता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। हमेशा कोई चीज़ हो तो आपका डिसीजन जो सबसे पहले आया आपके दिमाग में जो बात, वही डिसीजन लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा सोच के डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन गलत हो जाएगा आपका उस समय के अनुसार, और आप मात खा जाइएगा। अब थिंकिंग से थोड़ा पीछे आते हैं, सॉरी ओवर थिंकिंग से थोड़ा पीछे आते हैं थिंकिंग पे। सोचना अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। देखिए सोचिएगा तो आपका दिमाग डेवलप होता है, ये सब सोचने से ही होता है कि हम इतना बोल पा रहे हैं, ये सब सोचा गया, हम इतना इस सब बारे में विचार किए हैं, इतना विचार किए हैं कि क्या बताएं। ये सब सोचने का नतीजा है। हर एक आदमी रिसर्च करता है तो सोच के ही करता है, सोचना पड़ता है उसमें, सारा जो है सो सोचने में ही सोचना पड़ता है। तो ओवर थिंकिंग कभी नहीं कीजिए, थिंकिंग कीजिए। फर्स्ट टाइम में जो डिसीजन आए वही लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नॉलेज इकट्ठा कीजिएगा आपका डिसीजन उतना तगड़ा होते जाएगा, समझ गए। इसीलिए मेरे और मेरे पिताजी में एक अंतर है, उनका रूटीन है हर रोज़ एक काम करना, वो टीचर हैं तो स्कूल से घर, घर से स्कूल, घर से स्कूल, स्कूल से घर, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। मेरा रूटीन है कि हम स्टूडेंट हैं, हम किताब पढ़ते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत फिल्म देखते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, हर एक चीज़ में जो है सो नया चीज़ को सीखने को मिलता है हर रोज़, समझ गए। तो इस तरीके से मेरा जीके भी स्ट्रांग होता है, मेरा डिसीजन भी उनसे बेहतर होता जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उनसे बेहतर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस समाज में ज़्यादा है, उस समाज में कैसे रहना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, किसके साथ कौन सा बिहेवियर करना चाहिए, ये उनका ऑफकोर्स हमसे ज़्यादा है डिसीजन, वो हमसे बेहतर से डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो इस समाज में रहे हुए हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है उस समाज के बारे में सोचे हुए। लेकिन अगर ओवरऑल डिसीजन के बारे में बात किया जाए तो हमसे बढ़िया डिसीजन उनका नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत कुछ सोचे हैं, हम दूसरे कल्चर के बारे में भी सोचते हैं, अपने कल्चर के बारे में भी सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं ऐसा जो वो नहीं सोचते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ, जो जिस क्षेत्र में सोचता है उस क्षेत्र में उससे बढ़िया डिसीजन किसी का नहीं हो सकता है, उस क्षेत्र में उसका नॉलेज दूसरों से ज़्यादा होगा। जो जितना ज़्यादा सोचता जाता है, जितना समय तक सोचता जाता है, उसका उतना ज़्यादा नॉलेज होता जाता है। तो यही सब बात है, ओवर थिंकिंग कभी नहीं कीजिए, थिंकिंग कीजिए। और तो 13.5 मिनट का वीडियो हो चुका है, उम्मीद करते हैं वीडियो या ऑडियो कह लीजिए आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, सीखने को कुछ मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, पीस।